नमस्कार दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A21S दोस्तों, इसमें एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। जो अपडेट है दोस्तों, काफ़ी बड़ा अपडेट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें UI 3.1 और दोस्तों एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अपडेट दोस्तों किन किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को दोस्तों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट के बाद ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी बदल जाता है। तो ये दोस्तों अपडेट किन लोगों के लिए बना है और किन लोगों को दोस्तों ये अपडेट नहीं करना है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या इशू देखने को मिल सकते हैं, ये सब मैं दोस्तों आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A21S में आपको दोस्तों ये नया अपडेट देखने को मिला है। दोस्तों इस अपडेट साइज़ की बात की जाए तो ये अपडेट दोस्तों 1800 MB समथिंग का है, यानी दोस्तों 2 GB के आसपास का है। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें 1 UI 3.1 का इंटरफेस देखने को मिलता है और साथ ही दोस्तों जो एंड्रॉयड है वो दोस्तों हो जाएगा 10 से 11 का। दोस्तों आपने देखा होगा इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी F41 और A50 में जो अपडेट आया था, जो दोस्तों काफ़ी बड़ा था, सेम भाई अपडेट इस फ़ोन में दे दिया गया है। बट दोस्तों वो जो फ़ोन है दोनों वो अलग लेवल के हैं और दोस्तों जो फ़ोन है ये अलग लेवल का है। तो क्या आपको ये अपडेट इस फ़ोन में करना चाहिए? तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस अपडेट के होने के बाद कुछ फीचर की। तो दोस्तों इस अपडेट को करोगे आप तो आपके फ़ोन के क्या फीचर चेंज होने वाले हैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके फ़ोन में जो ऐप ड्रॉअर है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा, जो दोस्तों नोटिफिकेशन बार होता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और दोस्तों कुछ सेटिंग में चेंजेस होकर मिलेंगे और दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे फंक्शन हैं जो आपके सेटिंग के अंदर होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो आपको A50 और F41 सीरीज में देखने को मिले थे अपडेट के बाद, सेम वही फीचर दोस्तों इस फ़ोन में आने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो अपडेट है दोस्तों ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को नए नए फीचर अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को दोस्तों अपना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चलाने में, काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन को यूज करते हैं, वो लोग इस अपडेट को कर लें, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। बट दोस्तों अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ बक्से भी आ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये अपडेट किन लोगों को नहीं करना है? दोस्तों जिन लोगों को नए नए फीचर पुराने फीचर कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज करना होता है, जैसे कॉल, व्हाट्सअप वगैरह, थोड़ी बहुत वीडियो देखनी यूट्यूब पर, तो दोस्तों उन लोगों को इस अपडेट को बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि दोस्तों जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो आपके फ़ोन में हीटिंग इशू आ सकते हैं दोस्तों, लैगिंग इशू आ सकते हैं और साथ ही दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो पहले से दोस्तों कम चलने वाली है, क्योंकि ये जो अपडेट है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और आपका दोस्तों ये फ़ोन है वो इस अपडेट को सपोर्ट इतना नहीं करता जितना दोस्तों और फ़ोन करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये काफ़ी हल्का फ़ोन है सॉफ्टवेयर के मामले में। तो अगर आप अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करते हो, ये दोस्तों सिर्फ वीडियो देखते हो यूट्यूब पर या कभी कभी व्हाट्सअप वगैरह चलाते हो या सिर्फ नॉर्मल कॉल यूज करते हो, या दोस्तों सिर्फ आप नॉर्मल कॉल लेते हो, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा हैवी यूज नहीं करते, तो आप इस अपडेट को बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको नए और पुराने अपडेट से कोई मतलब नहीं रहता। तो आप इस अपडेट को बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इस अपडेट को कर लेते हो तो आपका फ़ोन पहले के मुताबिक दोस्तों काफ़ी कम चलेगा, आपकी बैटरी काफ़ी कम चलने वाली है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।